पहला हमारा हो गया एआई फिल्म मेकिंग, मैंने आपको बताया था उसमें ब्लॉग मोड दे रखा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ इन्फिनिक्स का फोन, जो कि होने वाला है इन्फिनिक्स 045G। गाइस, जिसको भी मिड रेंज का फोन चाहिए वो काफी अच्छा फोन इसमें, क्योंकि इसमें कुछ एआई के नए फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं, जिसने भी इससे पहले मेरी मोटो की वीडियो नहीं देखी हुई है जल्दी से जाके देखो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए शुरू करते हैं हम ये वीडियो। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि हमें फोन के बॉक्स में क्या क्या मिलने वाला है। तो हमें सबसे पहले इसमें मिल जाएगा हमारा हैंडसेट, हमारा 45 वोल्ट का अडाप्टर, टाइप A to C केबल मिल जाएगी, एक क्विक गाइड मिल जाएगी, सिम इजेक्टर टूल मिल जाएगा, एक TPU केस मिलने वाला है जो कि हार्ड केस होने वाला है और वो हमारी वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ एक हमें स्क्रैच कार्ड मिल जाएगा और कुछ क्लीनिंग वाइप्स मिल जाएंगी और इसके साथ हमें एक वारंटी कार्ड मिल रहा है। अब हम आपको अपने फोन के लुक के बारे में अगर बता दें तो गाइस, हमारा ये फोन डुअल टोन में आया है और इसका जो कैमरे का लुक है पीछे का वो काफी डिफरेंट सा है, यूनिक सा है। और इसके बैक में नीचे इन्होंने 0 मेंशन कर रखा हुआ है। साथ ही साथ इसमें हमें जो केसेस मिलने वाले हैं हार्ड केस, आप जो भी कलर ऑर्डर करोगे फोन का, आपको सेम कलर का उसमें TPU केस भी मिलेगा। हमारी इस फोन की डिस्प्ले बिल्कुल कर्वी सी होने वाली है जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है। अब हम आ जाते हैं अपने फोन के पोर्ट्स एंड बटन्स पे। तो अगर मैं फोन के नीचे साइड की बात कर लूं तो हमें मिल जाती है स्पीकर ग्रिल्स, USB Type-C, सिम कार्ड ट्रे एंड माइक्रोफोन। अगर हम फोन के लेफ्ट साइड की बात करें तो उधर कुछ भी नहीं दे रखा हुआ है। फोन के राइट हैंड साइड में हमें ऑन ऑफ बटन मिल जाएगा एंड वॉल्यूम रॉकर भी रहेगा। अब हम अपने फोन के अपर साइड की अगर बात करें तो इसमें हमें मिलती है स्पीकर ग्रिल्स, JBL का सपोर्ट मिल जाएगा, तो मतलब स्पीकर्स की क्वालिटी काफी अच्छी होने वाली है। और साथ ही साथ हमें इसमें IR ब्लास्टर भी मिल रहा है और हमें इसमें नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन भी मिल रहा है। अब आ जाते हैं हम अपने फोन की डिस्प्ले पे। तो हमें मिलने वाला है 6.78 इंचेस, 144 हर्ट्ज, 3D कर्व एमोलेड डिस्प्ले। गाइस, हमारा जो इसमें डिस्प्ले है वो हमें कर्व डिस्प्ले मिल रहा है, तो इसकी जो बेजल्स होने वाली है, साइड बेजल्स तो बिल्कुल पता ही नहीं चलेंगी, लेकिन जो चिन बेजल है और अपर की बेजल है वो हल्की हल्की सी पता चल सकती है। और इसकी स्क्रीन भी काफी बड़ी है और हमारा ये जो फोन है वो थोड़ा सा हैवियर साइड हो जाएगा, अप्रोक्स 195 ग्राम्स इसका वेट होने वाला है। इसके बाद अगर मैं पीक ब्राइटनेस की बात करूं तो 1300 निट्स की हमें इस पे पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। और गाइस, इसमें एक चीज और है कि इसमें हमें TUV IKEA सर्टिफिकेट मिल जाता है, मतलब अगर आपको ब्लू लाइट वगैरह से कोई इश्यू है तो वो आपको दिक्कत नहीं करेगा। और साथ ही साथ अगर मैं स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करूं तो हमें मिल जाता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर स्वाइप की प्रोटेक्शन, मतलब अगर हमारा फोन गिर भी जाएगा तो उसे कुछ नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं अपने फोन के कैमरा पे। तो हमें मिलने वाला है ट्रिपल सेट कैमरा, जिसमें हमारा पहला कैमरा होने वाला है 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, जो कि हमारा वाइड एंगल कैमरा होने वाला है। और साथ ही साथ हमें इसमें OIS भी मिल रहा है। इसके बाद हमें इसमें दूसरा कैमरा मिल जाता है जो कि हमारा 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी मिलता है। इसके बाद जो हमारा तीसरा कैमरा होने वाला है वो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा होने वाला है। गाइस, हमें इसमें OIS भी मिल जाता है, ऑटो फोकस भी मिल जाता है, LED फ्लैश भी मिलती है एंड डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। और भी इनके काफी सारे कैमरे की फीचर्स दे रखे हुए हैं जो कि मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि हमें इसमें व्लॉग मोड मिल जाएगा, मैंने आपको बताया था कि इसमें काफी सारे कुछ अलग से फीचर्स आ रखे हुए हैं। तो गाइस, व्लॉग मोड में क्या है, उन लोगों के लिए काफी अच्छा जो व्लॉगिंग करते हैं, तो वो उसमें काफी सारे फ्रेम्स वगैरह दे देगा, आप उससे प्रॉपर अपने ब्लॉग को और अच्छा बना सकते हैं। प्रॉपर उन्होंने एक ब्लॉग का मोड ही दे रखा है। इसके बाद हमें मिल जाता है वीडियो, फोटो, AI कैम, पोर्ट्रेट, सुपर नाइट मोड, टाइम लैप्स, स्लो मोशन, डुअल वीडियो, स्काई शॉप, लॉन्ग एक्सपोजर, डॉक्यूमेंट, AR शॉट, प्रो मोड, सुपर मैक्रो, पैनोरामा, GoPro भी मिल जाता है गाइस, जिससे कि हमें काफी कन्वीनियंट हो जाता है। गाइस, इसके बाद फ्रंट कैमरे की बात करें तो हमें इसमें मिल जाने वाला है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और इसमें भी हमें डुअल फ्लैश मिलने वाली है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि हम 4K विद 60 FPS वीडियो शूट कर पाएंगे फ्रंट और बैक दोनों से। जनरली इस प्राइस रेंज के जो फोन आते हैं उनमें 30 FPS मिलता है हमें, लेकिन ये फोन है जो हमें 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग दे रहा है फ्रंट और बैक दोनों में 4K के साथ में।
इसके बाद प्रोसेसर की बात कर लेता हूं, हमें मिल जाता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 अल्टीमेट ऑक्टा कोर प्रोसेसर। और अगर मैं इसके एंटीटो स्कोर की बात करूं तो गाइस इसमें हमें मिलता है 950,000 का एंटीटो स्कोर। तो मतलब आप परफॉर्मेंस आप खुद सोच सकते हो कि कितनी अच्छी होने वाली है। इस मिड रेंज में प्राइस रेंज में काफी अच्छा फोन होने वाला है ये। ओवरऑल देखूंगी तो काफी चीजें अच्छी दे रखी हुई है इसमें। ओएस की बात करूं तो हमें मिल जाता है एक्सओएस 14.5 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14। और अगर मैं अपडेट्स पे आ जाती हूं तो हमें मिल जाएगा 2 ईयर्स का मेजर अपडेट एंड 3 ईयर्स का सिक्योरिटी अपडेट। इसके बाद रैम टाइप LPDDR5X है, हमें इसमें NFC भी मिलता है एंड UFS हमारा 3.1 होने वाला है। डुअल सिम स्लॉट मिलने वाला है हमें, इसमें IR ब्लास्टर भी मिल जाएगा। स्पीकर्स स्टीरियो स्पीकर्स है जो कि काफी अच्छे हैं क्योंकि हमें इसमें JBL मिल रहा है। OTG भी मिल जाता है, USB टाइप सी होने वाला है। और गाइस एक चीज और, हमें काफी क्लीन UI इसमें मिलने वाला है क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी एप्स नहीं दे रखे हुए। हाँ कुछ आपको इनफिनिक्स के खुद के एप्स मिल सकते हैं लेकिन वो आप इजिली अनइंस्टॉल कर पाओगे। फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो हमारा ऑन स्क्रीन होने वाला है। अब इसके बाद मैं आपको गेमिंग के बारे में अगर बताऊं तो गाइज आप इस पे 60 FPS पे गेमिंग कर पाओगे, मतलब फ्लुएंटली आप गेम खेल पाओगे, BGMI वगैरह खेल पाओगे। और एक चीज और, इन्होंने एक ऑप्शन दे रखा है बाईपास चार्जिंग का। इसमें क्या है कि अगर आप सपोज आप गेम खेल लो तो आप उस पर बाईपास चार्जिंग कर पाओगे। मतलब ये है कि जो आपके फोन की बैटरी है वो यूज नहीं होगी, आप उसको अलग से चार्जिंग लगा के खेलोगे तो वो जो फोन की बैटरी है वो सेव रहेगी, बाकी वो चार्जिंग बैटरी से आपका गेमिंग चलेगा और इससे वो ज्यादा अच्छा चलेगा, बेटर चलेगा और आपका फोन भी हीट नहीं होगा एंड आपकी बैटरी लाइफ भी इंक्रीज होगी, आपका परफॉर्मेंस लेवल भी काफी बेहतर हो जाएगा इससे। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने फोन की बैटरी पे, तो हमें मिल जाती है 5000 mAh की बैटरी विथ 45W की चार्जिंग के साथ में। इसमें ये भी बोला है इन्होंने कि 60% जो हमारी चार्जिंग है वो हमारी 25 मिनट्स में हो जाएगी। और साथ ही साथ हमें इसमें वायरलेस चार्जिंग भी मिल रही है तो हमें 20W की वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करेगा। IP रेटिंग की बात करो तो IP54 की रेटिंग दे रखी है, स्प्लैश एंड डस्ट प्रूफ होने वाला है फोन। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने फोन के कुछ AI वाले फीचर्स पे जो कि इस फोन में कई सारे अलग और इंट्रोड्यूस हुए हैं। पहला हमारा हो गया AI फिल्म मेकिंग, मैंने आपको बताया था उसमें व्लॉग मोड दे रखा है, वो प्रॉपरली इसी के लिए दे रखा हुआ है। दूसरा हमारा हो गया AI वॉलपेपर जनरेटर, इसमें आप टाइप करके अपने अकॉर्डिंग वॉलपेपर जनरेट कर सकते हो। इसके बाद आ जाता है हमारा AI इरेजर, अगर आपने कोई पिक्चर क्लिक करी है आपको कुछ भी उसमें हटाना है इरेज करना है तो वो आप इजीली इरेज कर पाओगे। इसके बाद आ जाता है AI कट आउट, आप किसी भी पिक्चर से स्टिकर क्रिएट कर सकते हो, उसमें उतना पोर्शन कट करके आप उसका स्टिकर बना सकते हो। इसमें हमें AI असिस्टेंट मिल जाता है फुल एक्स एंड इसके साथ साथ हमें AI टेक्स्ट जनरेटर भी मिलता है। तो गाइस ये सारे तो इनके AI के फीचर्स हो गए जो इस फोन में दे रखे हुए हैं। बाद में आपको बता देती हूँ कनेक्टिविटी के बारे में, तो हमें मिल जाती है 14 5G बैंड्स, ब्लूटूथ 5.3, Wi-Fi 6E, NFC एंड IR ब्लास्टर भी हमें इसमें मिल रहा है और साथ ही साथ हमें इसमें FM भी रहेगा। इसमें हमें नोटिफिकेशन लाइट तो नहीं मिलेगी लेकिन अगर मैं बाकी सेंसर्स की बात करूं तो हमें इसमें फेस अनलॉक भी मिल जाएगा एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी रहेगा। अब आ जाते हैं हम अपने फोन के कलर्स पे, तो ये फोन हमारा 3 कलर्स में आ रखा है, टाइटेनियम, ब्लैक एंड वॉलेट। और गाइज ये जो ट्रेंडिंग से कलर है ये WGSN की पार्टनरशिप के बाद है क्योंकि वो बताते हैं कि कौन से कलर्स आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। जैसे कि मोटो के फोन्स में मोटो ने पैंटोन के साथ कोलैबोरेट कर रखा है, वैसे ही इन्फिनिक्स ने WGSN के साथ कोलैबोरेट कर रखा है। तो इसमें ये जो कलर्स हैं इतने ट्रेंडिंग है कि मैं क्या ही बताऊं। फिलहाल अब मैं आपको बता देती हूँ इसके प्राइसेस एंड वेरिएंट के बारे में। तो गाइस इसमें 2 वेरिएंट आ रखे हुए हैं, पहला है 12GB के साथ में 256GB स्टोरेज और दूसरा है 12GB के साथ में 512GB स्टोरेज। और गाइस ये वाला जो हमारा फोन होने वाला है ये हमारा 27,999 का है, लेकिन अगर आप ऑफर वगैरह लगाओगे, बैंक ऑफर वगैरह, तो आपको ये अप्रोक्स 25,000 का पड़ जाएगा। और ये वाला फोन हमारा आ रखा है 30,999 का और इसमें आप ऑफर वगैरह लगाओगे तो 28,000 अप्रोक्स का आपको ये फोन पड़ जाएगा। गाइस मैंने आपको इस फोन के बारे में सारी डिटेल्स दे दी हैं, अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है इस फोन से रिलेटेड या किसी अदर फोन से रिलेटेड देन प्लीज कमेंट डाउन। गाइस अगर मैं ओवरऑल देखूं 25,000 के आसपास तो इसमें कैमरा, परफॉर्मेंस, हमारा प्रोसेसर, गेमिंग, एवरीथिंग इज सुपर्ब एंड इनफैक्ट दे आर प्रोवाइडिंग सम न्यू AI फीचर्स ऑल्सो, सो दैट इज गुड। तो मुझे तो ये फोन काफी ठीक लगा। बाकी इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।